तो आज हम लोग जा रहे हैं बाटा कुंडी के लिए, वापसी भी आएंगे। आज हम लोग निकल रहे हैं बाटा कुंडी के लिए, मतलब थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं और घूम देंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। सो ये सुबह का यहाँ का व्यू है और अभी बज रहे हैं 9:30। गूगल तो बता रहे कि 12 बजे से बारिश हो रही है होंगी, तो यह देखते हैं। रश लगा हुआ है, गाड़ी की पार्किंग वहाँ पे अंदर है, तो वहाँ पे अंदर हमने पार्क की हुई है। तो या ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, और भाई बहुत ठंड है। मेरे को अभी मैंने हाफ पहना हुआ, लेकिन ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और अभी भी दो लोग पेंडिंग में, मेरे को इंटरनेट तो है लेकिन मैंने एडिट नहीं किया, तो ये एडिट करने आज रात को आपके मैं एडिट करूँगा। तो हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है और ये व्यू है जिसके साथ हम लोग खाएंगे। और ये देखो लोग, ये जो वाइट वाइट है ये लोग हैं, कहाँ चढ़ गए बंदे भाई। खाना तो हमने खा लिया है और अभी तक इधर हैरानी हो रही है, ये जो बंदे कहाँ गए। ये यहाँ पे जो, हाँ ये रहे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये तीन बंदे हैं, ये लोग ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, यानी कैसे रिवर क्रॉस किया हुआ इन्होंने। तो यहाँ पे हमने गाड़ी वॉश कराने के लिए दे दी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है ना, और मैं तो हाँ भाग रहा हूँ। तो या झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे। और दुम्बो का रिवर देखो, बहुत प्यारे हैं। ये डर रही है मेरे से, छोटा सा बच्चा। मैं वो बकरियों और दुम्बो का हाथ लगा रहा था, वो कुत्ता उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था मेरे को ऐसे देख रहे, मैं मेरी जान निकल गई, मैं भाग गया। तो अभी मैं गाड़ी की डिग्गी में बैठा हुआ पीछे से, और पीछे से ये व्यू आ रहा है, सुभान अल्लाह। क्या तो नज़ारे आ रहे हैं और क्या तो मज़े आ रहे हैं। और ये रही भाई बकरियाँ, ये थोड़ा आगे जा रही है, फिर हम लोग आगे आ रहे हैं, फिर आगे आके हम लोग रुक रहे हैं, फिर ये लोग आगे जा रही हैं। यहाँ पे है राफ्टिंग जो कि हम करने वाले हैं। सो यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ से राफ्टिंग का स्टार्ट है, इसका एंड का पता नहीं, एंड देखना पड़ेगा। बोट का इंतजार था, शायद यही है जो बोट्स आ रही हैं, इसके बाद फिर हम ये लाइफ जैकेट वगैरह पहन के तो राफ्टिंग में जाएंगे। छोटी सी है, हम सामने करीब तक ही है, 1.5 किलोमीटर, और ये 750 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हम रेडी हो चुके हैं और अभी पता नहीं अभी कब ये निकालेंगे बोट्स, ये अभी एक बोट जा रही है शायद, जिसके बाद जाएंगे। पानी का फ्लो थोड़ा, अभी पानी का फ्लो सही हो गया।
हम लोग ड्रिफ्ट मारते हुए तो आ गए हैं एंड पॉइंट और यहाँ से भी वापस आ गाड़ी की पार्किंग भी अभी पहुंच चुके हैं जीप वाले लेकर आए आगे और यह जीप में भी अलग ही एक्सपीरियंस है। सो यहाँ बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, 1% डर नहीं लगा, मज़ा आया। ओ भाई ये जो सामने लैंड रोवर खड़ी है ना, ये क्या नाम है, रेंज रोवर की लैंड रोवर डिफेंडर, हाँ डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर, ये ऐसी क्लासी लुक दे रही है। और यहाँ पहाड़ों में ये तो कैंप करें इनकी होगी, तो या राफ्ट जा रही हैं। तो एक्चुअली इसका जो है 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर, तो 5 और 8 तो बंद है, सो 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं। वो ब्रिज है ना, उससे थोड़ा इधर तक वो बस रुक जा रही है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वर्थ इट। तो अभी माहौल ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि मगरिब का टाइम हो, लेकिन ये जो है दिन के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ काले बादल है फुल, मतलब हेवी वाली बारिश होने वाली है। तो अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, तेज़ वाली, मतलब हल्के बूंदाबांदी, तेज़ बूंदाबांदी। और ये यहाँ के मंजर देखें आप लोग, ओए होए होए जी, पता नहीं क्या बोला भाई ने, लेकिन कुछ तो बोला। यहाँ पे फिर भी हल्की बारिश है, लेकिन वो देखें आप लोग, ये पूरी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। ये है बाटा कुंडी, अंदर जाना है तो भाई भागते हैं जल्दी से। तो हाँ छप रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे चाय ना पीते हैं। आई लव बाटा कुंडी। तो भाई थोड़ी सी बारिश में पूरा रोड पे पानी आ चुका है और यह रोड थोड़ी स्लिपरी है, तो हम लोग यहाँ से चाय का, और चाय या शूज़ ख़राब चलो हो ही गए तो यहीं से चाय ले लेते हैं भाई, यार इससे अभी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच गया ये फॉर्चुनर, ये कहाँ से जाए। तो यार हल्की सी बारिश में इतना ज़्यादा पानी आ चुका है यहाँ पे रोडों पे, तो यार चाय पिए यहाँ पे, और बिल भी आ चुका है। तो मैं एक ये उठा रहा हूँ, 200 रुपए की, 100 की मिलती है, 200 रुपए की है। ये है हम बाटा कुंडी से थोड़ा दूर 2-3 किलोमीटर, और हम लोग आगे जाते गए जाते गए जाते गए, और फोन की बैटरी खत्म हो गई इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो वहाँ से अभी हमने वापस मोड़ लिया है, अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ से वापस अभी चलना है नारायण।
ये है ज़िपलाइनिंग एरिया, यहाँ से हम लोग करेंगे ज़िपलाइन। यहाँ रश लगा हुआ है कुछ, मतलब रश लगा हुआ है, कुछ 10-15 मिनट लगेंगे और फिर हमें मौका मिला, हमारी बारी आएगी। तो हम रेडी हैं जाने के लिए। बहुत डर लग रहा है। ओए क्या नज़ारा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हूँ। मैं दरिया के ऊपर हूँ। ओह बस ही आ गया, यहाँ से राफ्टिंग हो रही है। बस स्टैंड अप। बहुत क्रेजी था ये, ब्रेकिंग का स्टाइल भी और क्रेजी था। मेरा हाथ लाए जावे आते नाल, बंदे ने लाए जावे आते नाल, मेनू भी लाए जावे जाएंगे साथ खड़े रहे तो नीचे जाना। ओए जनरली बहुत डर गया, हाथ लाल हो गए मुझे। दे ये देख ब्रेकिंग का स्टाइल, मेरा हाथ लाल हो गया, मैंने जोर से पकड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि छोड़ूंगा तो गया नीचे, लेकिन मज़ा ज़रूर आया। तो काफ़ी लंबा जिप लाइन था, 1000 पर पर्सन है, और ये देख रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे एंड हुआ है। तो गाड़ी आ चुकी है, यहाँ नहीं आई, आ रही तो थी, अरे गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी तो ओए हो, तो गाड़ी आ रही है, फिर चलते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं नारायण हेलीपैड पे। सो या व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे आऊँगा, हेलीकॉप्टर में आऊँगा, सीधे यहाँ पे लैंड करूँगा, एक बुगाटी मंगवाऊँगा सीधे यहाँ पे, क्या नाम है, नारायण सीधा। ये देखो बुगाटी के आने का रास्ता भी है। तो ये हमने ऑर्डर दिया हुआ है मुर्गे चरगा और हाफ प्लेट कबाब, तो ये क्वालिटी का फ़र्क होगा क्योंकि पिक्सल जो है मैं होटल पे छोड़ के आऊँ, पूरा दिन आज ब्लॉग बनाए तो इसीलिए वो उसकी चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो या वो चार्ज हो रहा है, फिर ब्लॉग भी एडिट करने हैं और अपलोड भी करने हैं। ओफ़